तो अपना जो टायर है पुराने वाला उसका बर्नआउट करने वाला है, खतरनाक वाला बर्नआउट करने वाला है। हेलो हाय तो अपना टायर यही है, देख लो ये वाला 180। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। कल जब हमने पार्टी की, पार्टी में तो क्या मजा आया। आपने देखा होगा हमने प्लान किया था 3 बजे का और देखते देखते 7 बजे पार्टी हुई। तो अभी आज अपन अपनी हल्क पे 180 का जो टायर आ रहा है अच्छा वाला, अभिनंदन भाई ने जो टायर भेजा हुआ था वो टायर आ चुका है। अभी सुबह मेरे में कॉल आया तो अंजलि कुरियर में जाएंगे, वहाँ से अपना 180 का टायर लेके आएंगे एंड अपनी हल्क पे इंस्टॉल करेंगे। तो अपना जो टायर है पुराना वाला उसका बर्नआउट करने वाले हैं, खतरनाक वाला बर्नआउट करने वाला है, ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ। कर देंगे अभी, अभी क्या है कि इसमें बर्नआउट करेंगे, इसमें ट्यूब है तो ट्यूब फटेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए टायर वाले के वहाँ जाएंगे, वहीं पे बर्नआउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि R1M में बर्नआउट तो वही करने वाला है। तो चलो अभी जाते हैं सुलभ की शॉप पे, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, वो काम खत्म करके निकलते हैं अंजलि कुरियर पे, वहाँ से कुरियर लेके आएंगे अपना टायर लेके, टायर देखेंगे, टायर तो अच्छे होगा तो उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके पहले इसको बर्नआउट करेंगे। तो वही, तो चलो अभी 2 बज चुके हैं एंड अपन सुलभ की शॉप पे है एंड अपनी हल यहाँ टायर अभी अंजलि कुरियर पे आ चुका है। तो अंजलि कुरियर पे जाएंगे, अपना टायर लेके आएंगे, जबकि पहला तो टायर पे अपने को बर्नआउट करना है, पूरा टायर खलास करना है, उसके बाद अपन जो नया टायर आने वाला है वो टायर इंस्टॉल करेंगे। तो चलो अभी चलते हैं अंजनी कुरियर पे, वहाँ से टायर लेके आते हैं। ये अपना टायर देखो भारी पड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना यार, 180 है। और यहाँ पे अपना टायर, सही है। तो अभी 3:30 बज चुके हैं एंड यहाँ पे RDA से अजय आ चुके हैं। क्या करना है अभी तू? टायर लेने आया। टायर लेने क्या, बर्नआउट देखने? मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला। क्या बोला? ए, तेरे को गिफ्ट कर रहा हूँ। हेलो हाय। तो अपना टायर यही है, देख लो ये वाला 180। अभी इसके ऊपर से हमने टैपिंग निकाल दिया, जो टैपिंग करके आया था ये वाला, वही देखेगा बड़ा, जब लगेगा ना तो इतना हो जाएगा। वही तो यार, लगने के बाद ऐसा हो जाएगा छोटा सा, अभी देखो कितना बड़ा सा दिख रहा है। ये क्या और ये क्या, हमको मैग्यूल चाहिए बड़ा, तो हमको मैग्यूल चाहिए बड़ा R3 का, जो मिलता नहीं है। आप किसी कांटेक्ट में हो R3 का मैग्यूल तो मुझे बोलो कि आपको कोई अच्छा मिल रहा बजट में R3 का मैग्यूल तो मुझे मेल कीजिए, मुझे चाहिए। क्योंकि इसमें देखो R15 का मैग्यूल है, उसमें टायर छोटा हो जाता है, ये लगता है 160 लगता है मुझे। अरे टायर कितना बड़ा है, इतना तो होना ही चाहिए यार, बट हमारे पास मैग्यूल नहीं है। KTM का मैंने सोचा हुआ था, KTM का मैं भी डालूंगा, तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये इसका कैलिपर वैलिपर सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो मुझे R3 का चाहिए। तो अभी निकलते हैं ये वाला टायर इंस्टॉल करवाने के लिए पंचर वाले के पास, वहाँ पे ही बर्नआउट करेंगे एंड वहाँ पे ही टायर इंस्टॉल करवाएंगे। तो प्रॉब्लम आ चुकी है, बोलो भाई प्रॉब्लम क्या हुई? तारे का यहाँ पे जो लॉक आता है ना, मतलब कि ये वाला, मतलब कि यहाँ पे जो लॉक आता है, जो ट्यूबलेस का जो लॉक आता है, देखो कि यहाँ पे पकड़ के रखे एयर को, वो जो टूट चुका है, यहाँ पे लॉक नहीं है, तो ट्यूबलेस नहीं होगा टायर। टायर तो अच्छा है, देखो ग्रिप भी अच्छी है। अभी कुछ ऐसा प्लान किया हुआ था, हमारे पास जो टायर आया हुआ था वही टायर इसमें इंस्टॉल करेंगे एंड उसमें ट्यूब डालनी पड़ेगी, ट्यूबलेस नहीं होगा, इसमें एयर है उसमें एयर नहीं है, तो वो टायर डाल देंगे इसमें, ये वाला। अभी 7 बज चुके हैं एंड 1 घंटे से हम ट्राई कर रहे थे कि हम टायर डाले ट्यूब के बिना, तो 1 घंटे के बाद हो चुका है। तो कैब भैया ने करके देखे, भाई थैंक यू सो मच ब्रो, इतनी धारी नहीं आ रही थी, वो भी कुछ ना कुछ ट्राई करके हमने ट्यूबलेस टायर कर दिया है। तो देखो यहाँ पे कैसे, हम पहले गए थे यहाँ पे सर्कल पे, वो सर्कल पे मना किया कि इसको ट्यूबलेस नहीं हो सकता, ट्यूब डालनी पड़ेगी, तो आगे गए थे, मतलब कि 300-400 घूमे, सब लोग मना कर रहे थे कि इसको फिटिंग नहीं करेंगे, ट्यूबलेस नहीं होगा, ट्यूब डालनी पड़ेगी। तो कैब भाई बोल रहे थे कि हो जाएगा, थैंक यू सो मच, ऑयल डाला, बाद में पटका, उसके बाद फिर से एयर निकाली, फिर से एयर डाली, 3-4 बार ट्राई किया, उसके बाद फाइनली हो गया। बात की हम बर्नआउट करने वाले थे, बट क्या हुआ
हमको ऐसा लगा कि हमको ट्यूबलेस नहीं होगा, ट्यूब डालना ही पड़ेगा, इसलिए हमने बर्नआउट नहीं किया। बर्नआउट करते तो पहले जो टायर था पुराने वाला टायर वो भी घिसा था एंड ट्यूब भी फट जाती, इसके लिए वो नहीं किया हमने, खोल दिया। उसके बाद बर्नआउट कैसे करें, उसका जो वाल आता है वाल भी फिट कर दिया ट्यूबलेस वाला, तो पीछे ट्यूबलेस वाला व्हील लग चुका है। चालू करो तो बाइक देखो कुछ है ऐसी है। परफेक्ट। तो अभी 7:30 बज चुके हैं और आज जितना काम खत्म हुआ उतना काम कर दिया, मतलब कि ज्यादा फोकस टायर पे ही था। टायर का काम कम्प्लीट हो चुका है तो दूसरा काम कल करेंगे, जो यहाँ पे लगाने वाला हम जाली, क्योंकि सुबह हमारे पास जाली आ गई थी जो निखिल हमको देके गया था, तो वो जाली लगाने वाले हैं। आज का काम टायर का खत्म हो चुका है तो कल करेंगे जाली का काम। अंडर को हमारी राइड डन है आनंद गेलो, तो कौन कौन आने वाला है? मैं आऊंगा। तू आने वाला है? तू आने वाला? तू आने वाला है? सब लोग आने वाले हैं एक बाइक पे, ये सब पे तू कहाँ बैठेगा? टाइम रखा है सुबह 5 बजे का, 7:30 बजे हम आनंद गैलोस पहुंच जाएंगे एंड 11 बजे रिटर्न। तो ऐसा कोई प्लान किया हुआ है कल, ये छोटा बहुत काम है वो काम खत्म करेंगे एंड संडे को मॉर्निंग में आनंद गैलोस। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।